नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे बौद्ध सर्किट को लेकर कि आखिर उसमें क्या बदलाव किया गया है, बिहार सरकार और भारत सरकार ने इसको लेकर क्या कुछ किया है। भारत समेत विश्व में कोरोना के दस्तक के बाद से क्या आम क्या खास सभी को परेशानी का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें हुई जो रोज कमाते थे। कोरोना काल के दौरान प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया गया था, ऐसे में पूरे देश में चक्का जाम की घोषणा कर दी गई थी, जिससे व्यापार पर सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला। इसके साथ ही साथ पर्यटन पर भी असर देखने को मिला है। लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही थी, लेकिन अब बिहार में पर्यटन को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा योजना बनाई गई है। आपको बता दें कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्यसभा में बोधगया के विकास को लेकर आवाज उठने लगा है, जिसमें बीते 27 जुलाई को राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने लिखित प्रश्न संख्या 948 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री से यूपी व बिहार के बौद्ध तीर्थ स्थलों के विकास को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बौद्ध धर्म स्थलों को लेकर अनेक योजनाएं बनी है। इस पूरे प्रकरण को लेकर मंत्री ने किशन रेड्डी से बताया कि बौद्ध परिपथ को स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत विकास के लिए अभिज्ञात थीमों में शामिल किया गया है। इस योजना में 2016-2017 में कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। इसमें से 98.73 करोड़ रुपये की राशि से बिहार के बोध गया में सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। मंत्री ने अपने जवाब में बोध गया के विकास को लेकर विशेष ध्यान दिए जाने की जानकारी दी। मंत्री ने यह भी कहा कि बोध गया पर विशेष फोकस के साथ बौद्ध संस्कृति एवं पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के पुनरुद्धार के लिए एक समन्वित कार्यनीति तैयार करने पर विचार किया जा रहा है। इस कार्य योजना में 4 वर्टिकल के तहत कदम उठाए जाने हैं। इसमें से कनेक्टिविटी और संरचना तथा संभार तंत्र, संस्कृति अनुसंधान, विरासत और शिक्षा, सार्वजनिक स्तर पर जागरूकता, संप्रेषण और पहुंच शामिल है। इस कार्य योजना के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए पर्यटन मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है। बौद्ध जनसंख्या बहुल देशों सहित विदेशी बाजारों में उत्तर प्रदेश तथा बिहार में स्थित बौद्ध स्थलों के साथ साथ विभिन्न बौद्ध स्थलों के संवर्धन और मार्केटिंग के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। बौद्ध गंतव्यों के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय ने फिल्में तैयार की है। अतुल भारत 2.0 अभियान के एक भाग के रूप में बौद्ध स्थल संबंधित क्रिएटिविटी का भी उपयोग किया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार में बौद्ध सर्किट के माध्यम से बौद्ध धर्म से जुड़े सभी केंद्रों को जोड़ने पर प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि बौद्ध सर्किट बनाने के लिए सारा पैसा केंद्र सरकार से आ रहा है। बिहार सरकार को हाईवे निर्माण हेतु केवल भूमि अर्जन कर NHI को देना है। बौद्ध सर्किट भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से शुरू होकर यूपी में कुशीनगर से होते हुए बिहार के बेतिया, अरेराज, साहेबगंज, मानिकपुर, वैशाली होते हुए पटना एम्स तक आएगी। इसे आगे नालंदा और बोधगया से जोड़ा जाएगा। इसके बाद बोधगया से यूपी में वापस सारनाथ बस्ती होते हुए हाईवे फिर से नेपाल कपिलवस्तु तक पहुंचकर बौद्ध सर्किट को पूरा करेगी। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार जिले से जुड़ते हुए 167 किलोमीटर लंबे हाईवे निर्माण का प्रोजेक्ट है, जिसे पटना एम्स, आदलवारी, मानिकपुर, साहिबगंज, अरेराज सेक्शन का नाम दिया गया है। इस परियोजना में पश्चिम और पूर्वी चंपारण के साथ मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण और पटना में भू अर्जन होना है। बिहार सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तो ये थे बौद्ध सर्किट को लेकर जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।